हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अनलॉक ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन। फ्रेंड, आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के मेरा वीडियो को ओपन किया और मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ें बिना सर्विस सेंटर गए, बिना लैपटॉप कंप्यूटर के। फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपके भी पास ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस प्रकार लॉक हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये फ़ोन पासवर्ड लॉक है, अगर आपका ओप्पो पैटर्न है, पिन है या और भी किसी तरह का लॉक है, फिंगरप्रिंट है, स्क्रीन लॉक है, तो आप उसको इस मेथड के अनुसार तोड़ सकते हो अगर आप ये मेथड अपने फ़ोन में इस्तेमाल करोगे तो। तो फ्रेंड, जब आपका फ़ोन किसी कारणवश इस प्रकार पासवर्ड लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, तो फ्रेंड आप इस समस्या से उलझने के लिए आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाते हो या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हो। दोनों जगह आपसे आपका पैसा लिया जाता है, समय लिया जाता है और फ़ोन अनलॉक करके दे दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ और भी है जो वो सर्विस सेंटर वाले ले लेते हैं, बोले तो फ़ोन के अंदर का डाटा, टोटल का टोटल डाटा सर्विस सेंटर वाले डिलीट कर देते हैं। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए और बिना डाटा लॉस किए हुए। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। फ्रेंड, तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर, मैं फिर से करके बता देता हूँ, ऐसे स्वीप अप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इमरजेंसी कॉल है और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। आप खुद देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। तो फ्रेंड, फाइनली आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना होगा, तभी जाके आप आगे का वर्क कर सकते हो। नहीं तो आप खुद देख सकते हो कि इमरजेंसी कॉल के अलावा कोई वर्क नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो आपको यहाँ पे फाइनली इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना होगा, और जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो आपको एक छोटा सा कोड का इस्तेमाल करना होगा। फ्रेंड, जो कोड आपको पता है, गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड, वो कोड देने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि ये जो मैं कोड दे रहा हूँ फ्रेंड, वो कोड मैं दे तो जरूर रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस कोड को ध्यान नहीं देते हो और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप लोग उसको भूल जाते हो, जो आप लोग को प्रॉब्लम डालता है। और मैं जो भी कोड दे रहा हूँ फ्रेंड, उसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कोड बहुत छोटा होगा, *#8999#। ये कोड *#8999# पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने एक पेज खुला है जो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे इंजीनियर मोड। यहाँ पे तो फ्रेंड, इस इंजीनियर मोड में आपको चौथा नंबर ऑप्शन पे वर्क करना है, बोले तो मैनुअल टेस्ट पे। चार नंबर ऑप्शन पे जो है मैनुअल टेस्ट पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम सर्विस सेंटर वाला मेथड रहेगा, लेकिन डाटा रिकवर कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पेज छोड़ दीजिएगा, सेकेंड पेज पे आइएगा डिवाइस डबिंग पे। डिवाइस डबिंग पे आने के बाद आप जायरोस्कोप देख रहे हो जी सेंसर के नीचे, यहाँ पे जायरोस्कोप पे क्लिक कर दीजिएगा। और सेकेंड नंबर ऑप्शन जो जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट है फ्रेंड, ये टेस्ट आपको देना है, और अगर यहाँ पे आपका पास आ जाता है तो आपका फ़ोन बहुत जल्दी से अनलॉक होता है फ्रेंड, और अगर फेल आता है तो अनलॉक होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो हम ये टेस्ट देंगे और देखेंगे कि पास आता है कि फेल। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरा एक बार में पास आया है, और इसी पास की आपको भी आवश्यकता है, तो हम अब इसको बैक करेंगे। नीचे तीन नंबर ऑप्शन पे डाटा डिस्प्ले, यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा डाटा रिकवर कैसे होता है फ्रेंड। फाइनली बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, फुल देखिएगा फ्रेंड। जब डाटा डिस्प्ले पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हो कि ये रनिंग कर रहा है, और इसको 30 तक रिकवर होने दीजिएगा बिना रुके हुए फ्रेंड। 30 तक आप देख सकते हो, ये 19, 20, 21, 22 हो रहा है। तो ये जब तक 30 तक नहीं होगा तब तक इसको रिकवर होने दीजिए, जब ये 30 प्लस हो जाएगा तो आप इसको आप बैक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड आपको इस पेज से वापस चले जाना है, ऊपर जहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, आपके ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में 3 है, 4 है, 5 है, सबको स्टार्ट कर दीजिए, और मुझे एक पास की आवश्यकता है फ्रेंड, एक पास आएगा तो ही आपका फ़ोन अनलॉक होगा, इतना बात याद रखिएगा। तो मुझे एक पास की आवश्यकता है, यहाँ पे दो ऑप्शन है तो मैं दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ। येलो कलर का हो चुका है, आप देख सकते हो, ये जब स्टार्ट होता है तो ही येलो कलर का होता है, अन्यथा ऐसे येलो कलर का नहीं होगा।
जब स्टार्ट होगा तो ये येलो कलर का हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि फ्रंट की एक फेल आ चुका है और दूसरा पास आ चुका है, इसी पास की आवश्यकता है आपको भी। तो अब इसको आप बैक कर लीजिएगा, चले जाइएगा सबसे लास्ट पेज पे जिसका नाम होगा अदर्स। यहाँ पे लास्ट पेज में तीन पांच ऑप्शन है आपको, लेकिन वर्क करना है तीन ऑप्शन पे, तो जरा ध्यान से फ्रेंड। सेकेंड नंबर ऑप्शन रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, पहला कैंसिल कर दीजिएगा फ्रेंड और दूसरा ओके कर लीजिएगा। अगर आपके ही फ़ोन पे रॉन्ग पासवर्ड शो करे तो आप समझ जाइएगा पासवर्ड रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। तीन नंबर स्टेटस है बोले तो, तीन नंबर ऑप्शन का जो नाम है वो है की स्टेटस, बोले तो लॉक का स्टेटस। यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ चेक करना होगा कि पास है या फेल। अगर पास है तो मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से आपका पैटर्न पिन पासवर्ड टूट चुका है। अगर पास है तो हम यहाँ पे क्लिक करके चेक करते हैं और आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ सच में पास 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 है। तो अब हम इसको बैक करेंगे। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि जब पास दिखे आपको तो आप समझ जाना कि जो भी आप वर्क कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो रहा है और सही हो रहा है, इसीलिए पास शो कर रहा है। रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, ये रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे आपको क्लिक करना है। और अगर यहाँ पे पास शो कर दिया तो आपका फ़ोन तो अनलॉक हो चुका है और वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी पास है तो तुरंत होम बटन पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ भी पास है फ्रेंड। आप देख सकते हो कि ये फ़ोन अनलॉक और वो भी विदाउट डाटा लॉस। अगर आप सर्विस सेंटर जाते तो पैसा लगता, समय लगता, और ये जो डाटा आप देख रहे हो ना फ्रेंड, फाइनली ये डाटा भी लग जाता क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं, डाटा टोटल का टोटल डिलीट कर देते हैं। तो मैंने आपका पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।